स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में 70 के दशक में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस की डेब्यू न्यूज के बारे में जानेंगे, उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट सब कुछ आज के वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले 1968 में हेमा मालिनी जी की डेब्यू मूवी आई थी 1968 में, जिसका नाम था सपनों का सौदागर। इस मूवी को महेश कौल जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में लीड कास्ट में थे राज कपूर, हेमा मालिनी, तनुजा, अचला सचदेव और जयंत। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। 1970 में रेखा जी की डेब्यू मूवी आई थी सावन भादों। इस मूवी को डायरेक्ट किया था मोहन सहगल साहब ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे रेखा, नवीन निश्चल, श्यामा, जयश्री टी, इफ्तिखार और रंजीत। इस मूवी का बजट था 50 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 1 करोड़ की और दुनिया में कमाई की 2 करोड़ की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। 1970 में ही राखी गुलजार जी की डेब्यू मूवी आई थी जीवन मृत्यु। इस मूवी को डायरेक्ट किया था सत्येन बोस साहब ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे राखी गुलजार, धर्मेंद्र, कन्हैयालाल, राजेंद्र नाथ, शबनम और कृष्ण धवन। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 2 करोड़ की और दुनिया में कमाई की 4 करोड़ की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगले नंबर पर 1970 में ही मूवी आई थी जिसका नाम था द एविल विदिन। ये जीनत अमान जी की डेब्यू मूवी थी। इसमें जीनत अमान, देवानंद, प्रेमनाथ, एमबी शेट्टी और इंग्लिश एक्टर थे रॉड पेरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस ब्लोवरेज करार दिया गया। 1971 में जया बच्चन जी की डेब्यू मूवी आई थी गुड्डी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे जया भादुरी, धर्मेंद्र, उत्पल दत्त, असरानी, केष्टो मुखर्जी, आरती और विजय शर्मा। इस मूवी का बजट था 50 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 78 लाख की और दुनिया में 1,56,00,000 की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस में हिट करार दिया गया। श्रीदेवी जी की डेब्यू मूवी आई थी 1972 में रानी मेरा नाम। इस मूवी को डायरेक्ट किया था के एस आर दास साहब ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे वैजंती माला, प्रेमनाथ, मदनपुरी, अजीत, जगदीप, अनवर हुसैन और श्रीदेवी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1973 में डिंपल कपाड़िया जी की बॉबी डेब्यू मूवी, जिसका नाम था बॉबी। इसको राज कपूर साहब ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे डिंपल कपाड़िया, ऋषि कपूर, प्रेमनाथ, प्राण, दुर्गा खोटे, सोनिया साहनी और उड़ायरानंद। इस मूवी का बजट था 2,25,00,000 रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 5,50,00,000 की और दुनिया में 11 करोड़ की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। परीन बॉबी जी की डेब्यू मूवी आई थी 1973 में, इसका नाम था चरित्र। इस मूवी लीड कास्ट में थे परवीन बाबी, सलीम अजीज दुर्रानी, गौतम सरीन और अशोक शर्मा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। शबाना आजमी जी की डेब्यू मूवी आई थी 1974 में, इसका नाम था अंकुर। इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्याम बेनेगल साहब ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे शबाना आजमी, अनंतनाग, साधु मेहर, प्रिया तेंदुलकर, दिलीप ताहिल। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। पूनम ढिल्लन जी की डेब्यू मूवी आई थी 1978 में, इसका नाम था त्रिशूल। इस मूवी को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा साहब ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, पूनम ढिल्लन, हेमा मालिनी, राखी गुलजार, वहीदा रहमान और प्रेम चोपड़ा। इस मूवी का बजट था 2,50,00,000 रुपए। इस मूवी ने भारत में 5,50,00,000 की और दुनिया में 11 करोड़ की कमाई की। कमाई के अनुसार इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। पद्मिनी कोल्हापुरी जी की डेब्यू मूवी आई थी 1978 में, जिसका नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। इस मूवी को राज कपूर साहब ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे पद्मिनी कोल्हापुरी, जीनत अमान, शशि कपूर, कन्हैयालाल और एके हंगल। इस मूवी का बजट था 2 करोड़ रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 2,25,00,000 की और दुनिया में 4,50,00,000 की। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। जयाप्रदा जी की डेब्यू मूवी आई थी 1979 में, जिसका नाम था सरगम। इसको केशन धोनी विश्वनाथ ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे जयाप्रदा, ऋषि कपूर, शशि करा, अरुणा ईरानी, असरानी और शक्ति कपूर। इस मूवी का बजट था 1,80,00,000। भारत में 4 करोड़ की दुनिया में 8 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। तो व्यूवर्स, ये 70 के दशक में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली मूवीज के एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनकी एक्टिंग में बनने वाली कौन सी मूवी
आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, किस एक्ट्रेस की सबसे ज़्यादा अच्छी मूवी लगी, और किस एक्टर या एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, या प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर फुल वीडियो।